काल रे तग्गा थे ना जायु हम नजर पहने की सकाम ना करी उधर उधर तो के जाए ना देखी ना दे दे हम नेटवर्क इन के जाए सके जे जे काला 2000 खर्चा कर ला ये को सिक्का ना दे कहां के जाए ये तो जब डीसी होत से कपा करो कहते देवे ठीक भैया हो जा ठीक भैया तब तो बहुत निदान है जी आखोर के भगवान तोरा 65 से बिकतो भैया बड़ा कौन सा बच्चा है पाड़ा है पाड़ा है बच्चे की बात की जाए तो पाड़ा बच्चा सुना कुछ ना कौन बयान में है भैंस दूसरी बयान में है ब्यात की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं दूसरी ब्यात में यह भैंस कितना दूध निकाल रही है 14 लीटर सही बताइए 14 लीटर कर लेता है जी झूठ बोलेंगे तो 18 अच्छा 14 पर रेडी है झूठ में 18 अच्छा झूठ बोलिएगा तब 18 वाह कितना में बिक्री हुआ 62 में बिक्री हुआ है बाकी 65 रख ले अच्छा फाइनली इस भैंस की बिक्री 62,000 रुपए में आज के आयन खाव के मेले मंडी में हुई है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, मैं अभी मौजूद हूं बिहार राज्य के पटना जिला के दुल्हिनी बाजार के पास लगने वाले ऐन खाँव के पशु मंडी में। जी हां, आप लोग देख सकते हैं यह ऐन खाँव का पशु मंडी है जो कि यह एक साप्ताहिक पशु मंडी है। प्रत्येक गुरुवार के दिन यहां पे पशुओं की मंडी लगती है। अगर पटना जिले से इसकी दूरी की बात की जाए तो लमसम 35 किलोमीटर के दूरी पे यह मेला मंडी लगती है और दुल्हिन बाजार मेन मार्केट से लमसम 1 किलोमीटर के दूरी पर यह मेला मंडी लगती है जो कि साप्ताहिक पशु मंडी है। प्रत्येक गुरुवार के दिन ही यहाँ पे पशुओं की मंडी लगती है। इस मेले मंडी में आसपास के किसान बंधु आते हैं और साथ ही साथ बहुत ही दूर दूर से व्यापारी लोग आते हैं और अपने अपने पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं। इस मेले मंडी में आपको गाय और भैंस दोनों देखने को मिल जाएंगे। पाड़ी का क्या देखे थान बाट अच्छा कितना अच्छा दांत में 4 है पहली बयान है इसका पहली बयान में है 4 दांत में है ना अच्छा पिछला बार तो आपके पास में शानदार सी भैंस थी है ना अच्छा इस बार कैसा लाए हैं भैंस ये भी है ठीक है ये है ओरिजिनल पाड़ी है ओरिजिनल पाड़ी है ओरिजिनल पाड़ी है पाड़ी चिन्हे का तो ना भी है अच्छा ऑर्डर की बनावट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऑर्डर की बनावट है दुहाई इसका बहुत मस्त है दुहाई मस्त है बहुत मस्त अच्छा कौन बयान में है पहला बयान है भैया 4 दांत है पहली ब्यात में है 4 दांत में है ना कितना दूध निकाल रही है दूध अभी 7 से करेगा भैया लेकिन करेगा तो 8 से लेकिन कर देंगे 7 से अच्छा 7 लीटर दूध निकाल लेगी अच्छा दूध की बात की जाए तो बता रहे हैं कि 7 लीटर दूध जो है निकाल लेगी बहुत मेही पाड़ी है भैया महीन पाड़ी है बहुत मेही पाड़ी है अच्छा आ बच्चा कौन सा है पाड़ा बच्चा है पाड़ा बच्चा है वहाँ पे है ना कीमत कीमत इसको 42,000 रखे हुए है ना
और कोई लेने वाले अगर सही नियत से बात करेंगे तो कितना तक यह पड़िया जो है दे दीजिएगा? 38-39 तक उनको यह भैंस जो है दे दीजिएगा, है ना? अब आप लोगों को आयन खाम पशु मंडी से इन दोनों भैंसों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, दोनों भैंसों को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उसके बाद दोनों भैंस के बारे में बारी बारी से जानकारी ली जाएगी, कौन सी भैंस के पास कितना दूध है, क्या कुछ कीमत रखा गया है आज के आयन खाम के मेले मंडी में। थोड़ा सा बताइएगा, ये वाली भैंस का कितना कीमत रखा गया है? इसका कौन मालिक? 125। इस वाली भैंस की कीमत की बात की जाए तो 125,000 रुपये आज के आयन खाम के मेले मंडी में रखी गई है। इसके बारे में बात कर ली जाती है, इसका 130। इस वाली भैंस की कीमत 130,000 रुपये रखी गई है। लोगों को आयन खाम पशु मंडी से इन दोनों भैंसों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग भैंस को देख लीजिए, ये दोनों भैंस की बिक्री अभी अभी आयन खाम के पशु मंडी में हुई है। आप लोग देख लीजिए, पहले बढ़ाकर दिखा रहे हैं दोनों भैंसों को, उसके बाद दोनों भैंसों के बारे में जानकारी ली जाएगी कि कितने में इन दोनों भैंसों की आज के आयन खाम के पशु मंडी में बिक्री की गई है। मोर लीजिए, बच्चा कौन सा है? इसका बच्चा पाड़ा है। इसका इसके साथ जो बच्चा है वो पाड़ा है, और उसके साथ जो बच्चा है वो पाड़िया है, पड़िया बच्चा है, है ना? चार दांत में है वो वाला, पहली ब्यात में है ना? जी। ये वाला दूसरी ब्यात, ये दूसरी ब्यात में है। कितना दूध होगा इसका? 7 किलो। इसका 8 किलो। इसके पास 7 किलो दूध है, उसके पास 8 किलो दूध। जी। अच्छा, कितना में जोड़ा बिक्री हो गया आज के मेले मंडी में? 80,001 में। 80,001 रुपये में इन दोनों भैंसों का जोड़ा जो है बिक्री हो गया है आयन खाम के पशु मंडी में। हम लोग घूमने आए थे, घूमने आए थे मेले मंडी में। कहाँ से हैं आप लोग? विक्रम से हैं, पटना। पटना विक्रम से हैं, है ना? तो मेले मंडी में घूमने आए थे, है ना? कैसा लगा मेला मंडी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। रिलेशनशिप में जो भैंस बिका है। अच्छा, ये वाली जो भैंस अभी बिक्री हुई है आप ही के रिलेशन की है, है ना? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा भैंस लाते हैं। अच्छा अच्छा, वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, इसी तरह बनाते रहिएगा वीडियो। चलिए, अच्छी बात, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। पब्लिक आपसे बहुत कुछ सीखता है। जी, जानकारी मिलता है घर बैठे बैठे। जी, इसलिए आपका बहुत आभार। हैं इस भैंस की दाम काम जो है वह मेले मंडी में चल रही है। कुछ व्यापारी लोग भी इस भैंस को लेने की नियत से भैंस के पास पहुंच चुके हैं। किनका भैंस है? आपका है कि उनका है? दोनों कोई का है? अच्छा, दोनों लोगों का भैंस है। तो आप लोग देख सकते हैं मेले मंडी में भैंस को धार पहन चेक की जा रही है। कैसे है धार पहन में? ओके है, ओके। दौड़ रहे हैं, बताएंगे थोड़ा।
कितना में ले लिए भैंस? 61,000 में। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली 61,000 रुपए में इस भैंस की बिक्री आज के ऐन खाँव के मेले मंडी में हो गई है। अर्डर की बनावट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अर्डर की बनावट है। बच्चा कौन सा है? पाड़ा है। पाड़ा है। बच्चे की बात की जाए तो पाड़ा बच्चा है। कौन ब्यान में है ये भाई? आपकी तीसरा है। तीसरी ब्यात में भैंस है। कितना दूध निकाल रही है? एक बार 8 किलो निकाल रही है। एक टाइम में 8 लिया रखे हैं? कीमत 85,000। कीमत की बात की जाए तो आज के ऐन खाँव के मेले मंडी में इस भैंस की कीमत 85,000 रुपये रखी गई है। कुछ कमो बेसी होगा? हाँ, कुछ आगे पीछे होगा। आगे पीछे हो जाएगा है ना? 4-5 हज़ार आगे। अच्छा अच्छा।